नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और हमने हैप्पी निवेश ईयर की इस सीरीज में अब तक आपको ये तो बता दिया कि आपको कैसे निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है और किन आदतों को छोड़कर आप ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर कुछ गलत फहमियां भी हैं जिनके चलते कई लोग इसमें निवेश करने से बचते हैं। तो आज हम दूर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी ऐसी ही 10 गलत फहमियां जिनके चलते अक्सर कई लोग रोक देते हैं अपना निवेश। और इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमारे साथ आज हैं कुबेरा के COO निलाब सान्याल। निलाब, बहुत स्वागत है आपका और आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू स्वाति। चलिए तो आज शो में हम क्या खास बातचीत करने जा रहे हैं उन हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी 10 गलत फहमियां क्या हैं, निवेश से जुड़ी इन गलत फहमियों से आप कैसे बचें, क्या SIP होती है सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए, साथ ही आसान भाषा में समझेंगे टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच। तो सबसे पहले हम जो पहली गलत फहमी है वो आपसे जानना चाहेंगे और चाहेंगे इसको दूर करें। कई लोग कहते हैं कि अभी निवेश की शुरुआत करने की जरूरत क्या है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है। तो बताइए निवेश की सही उम्र क्या है। स्वाति, थैंक यू। ये बहुत सही और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई एम टू यंग टू इन्वेस्ट। मैं तो अभी करियर की शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पास अमाउंट कम है, या हम रिटायर होने वाले हैं। दूसरे साइड पे भी है कि हम रिटायर हो चुके हैं, अब हम इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, छोटे टाइम, छोटा होराइजन जो है, कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हर तरह के इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको देता है। हर कैटेगरी में अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो आप अगर आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड्स से लेके सेक्टोरल फंड्स, जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एज का या आपके लाइफ में आप किस स्टेज पे हैं, इससे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन पे आप डाउट मत करिए। ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर एज के लिए ही है। तो उम्र का कोई लेना देना नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट हैबिट से। हाँ, बस आप 18 साल की उम्र से ज्यादा होने चाहिए जब आप ऑफिशियली एक अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और अकाउंट से मुझे इनफैक्ट एक और गलत फहमी ध्यान में आ रही है, जो कई लोग हमसे जानते भी हैं कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, हमने तो अभी डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला है। तो डीमैट अकाउंट क्या वाकई हमेशा जरूरी होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं स्वाति। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ KYC अगर आपका KYC करवाएं अपना, और आप म्यूचुअल फंड में घर पर बैठ के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप खुद काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कुछ एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, जिनके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। ओके, तो डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करने के लिए, ये आपको समझने की जरूरत है। बस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एक और गलत फहमी जो लोगों में होती है ज्यादातर म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, वो ये कि मुझे तो चाहिए बेहतर से बेहतर रिटर्न, इसलिए कोई टॉप रेटेड फंड बताइए। जब वो किसी एडवाइजर की मदद देते हैं या फिर अगर खुद से करना होता है तो सबसे पहले लिखते हैं टॉप रेटेड फंड्स कौन से हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है सही है, और ये गलत फहमी कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, ये एक लेजी अप्रोच है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आपको फायदा नहीं, शायद नुकसान भी हो सकता है। जो म्यूचुअल फंड रेटिंग है वो ज़्यादातर उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या मतलब पहले म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, या उसके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में पहले कौन सी होल्डिंग्स थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसको दर्शाता है।
उसको लेके आप आगे का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें, या मैं कहूँगा उसको सिर्फ एक फैक्टर मान के चलें कि एक ये म्यूचुअल फंड रेटिंग एक चीज़ है जिसको हम देखेंगे, उसके साथ में अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये और उस फंड के काफ़ी सारे और जो मेट्रिक्स हैं जैसे कि अल्फा हुआ या अल्फा बीटा, ये सब आप पैरामीटर्स देख के इन सब को कंबाइन करके आप इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड रेटिंग के बेसिस पे। इनफैक्ट कई लोग रिटर्न देखकर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी मैं आपसे जानना चाहूंगी सिर्फ एक साल का हिस्टोरिक रिटर्न देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमें म्यूचुअल फंड स्कीम में कंसिस्टेंसी देखनी है, शायद मैं उसको ज़्यादा वेटेज दूंगा। कंसिस्टेंसी मतलब हर साल वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, एक साल में क्या परफॉर्मेंस किया, तीन साल में क्या परफॉर्मेंस किया, पाँच साल में क्या परफॉर्मेंस किया, ये शायद सिर्फ रिटर्न से बेटर एक मेजर होगा। एक साल का रिटर्न सिर्फ मार्केट ने कैसा किया उस पर निर्भर है, उस म्यूचुअल फंड के स्कीम उस में जो होल्डिंग्स हैं उस पर निर्भर है। अगर आगे चलते वो स्कीम के जो होल्डिंग्स हैं उन जिन स्टॉक्स में उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्ट किया है, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि काफी पैरामीटर्स होते हैं म्यूचुअल फंड चुनने के, सिर्फ रिटर्न के लिहाज से, यहाँ पे टॉप रेटेड फंड के लिहाज से आप म्यूचुअल फंड न चुने, एक प्रॉपर होमवर्क करें जब आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो। तो एक और गलत फहमी वो ये कि कम एनएवी वाला फंड अच्छा होता है। तो सबसे पहले एनएवी से हमारा मतलब क्या है, और एनएवी कम होना या ज्यादा होना क्या अच्छे फंड का पैमाना है? जी, पहले समझ लेते हैं एनएवी क्या होता है। एनएवी हर रोज म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी डिक्लेयर होता है, आफ्टर जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद एनएवी डिक्लेयर होता है। तो एनएवी दर्शाता है कि उस म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स हैं, जो उसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसकी उस दिन क्या वैल्यू है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब आप अगर किसी स्कीम का एनएवी 100 रुपए है तो वो बताता है कि ये आज का एनएवी है, आज की उसके जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स हैं उसकी वैल्यू क्या है। अब अगर दो स्कीम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो एनएवी देख के अगर उसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ स्कीम बहुत पुरानी होती हैं और कुछ स्कीम जो है वो एक दो साल पुरानी होती है, उनकी हिस्ट्री नहीं होती तो उनका एनएवी ज़्यादा नहीं होता। ये देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक गलत अप्रोच होगा। बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो आप एनएवी का जो बदलाव आता है ओवर अ पीरियड वो देखें कि इतने समय में एनएवी इतना चेंज हुआ। ये एक बेटर तरीका है कंपेयर करने का, ना कि उसका एनएवी एक पर्टिकुलर दिन का कितना है। इनफैक्ट नीलाब, यहाँ पर एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे बाजार में कई बार गिरावट आती है, तो गिरावट के समय क्या एनएवी में भी गिरावट आती है, और ऐसे में निवेश का क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट से लिंक्ड है, तो अगर आप डिपेंड करता है आपने जिस स्कीम में किन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी मतलब इक्विटी कैटेगरी में है, तो अगर मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी नीचे जाएगा, अगर मार्केट बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी ऊपर जाएगा। जहाँ तक कि अगर एनएवी नीचे जा रहा है तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होना चाहिए, डिसीजन नहीं है। इसमें आप ये देखें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ गड़बड़ है क्या वो पोर्टफोलियो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है। अगर आप वो आपके लिए सही है इन्वेस्टमेंट, तो अगर वो एनएवी नीचे जाता है तो आपको एक मौका मिल रहा है उसको कम दाम में खरीदने का, मतलब आप ज़्यादा यूनिट्स उस टाइम पे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और आप जब आप वो म्यूचुअल फंड स्कीम वापस एनएवी उसका ऊपर जाएगा तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदे। अगेन, एक और पैमाना है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, अपार्ट फ्रॉम जो हम रिटर्न देते हैं या फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर एनएवी देखते हैं। अब कई लोगों में यह गलत फहमी भी है कि एसआईपी तो सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए है। तो सबसे पहले एसआईपी
का सही मतलब क्या हुआ और ये कैसे निवेशकों के लिए एसआईपी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी उम्र क्या है और या फिर उसकी वेल्थ कितनी है। जी देखिए, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक जरिया है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। आप चाहे फिर आपके पास जो राशि है वो कम है, अमाउंट जो है आप हर महीने 500 रुपीज़ से लेके 50,000, 1,00,000 या उससे भी ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, एक अनुशासित तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अमाउंट से इसका कोई लेना देना है ना ही आपकी उम्र से इसका कोई लेना देना है। और अगर मानिए किसी ने जल्दी एसआईपी शुरू की है, कई लोग कहते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है एसआईपी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हमें क्या फायदा होगा, तो उन्हें इस जल्दी इन्वेस्टमेंट का कैसे फायदा मिलता है। जी देखिए, एसआईपी में अगर आप बल्कि मैं तो ये बोलूँगा म्यूचुअल फंड में अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज एसआईपी में कई तरह के जो फ़ायदे होते हैं उसमें से मैं कुछ एक या दो आपको गिनाता हूँ कि एक तो आपको एवरेजिंग का फ़ायदा होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको कम वैल्यू में, आपको कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो आपके यूनिट बैलेंस बढ़ते जाएगा अगर मार्केट नीचे जाएगा। वैसे ही दूसरी चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंडिंग का फ़ायदा, वेयर समय जितना आपके पास समय ज़्यादा है, मतलब अगर आपने 30 की एज में या 25 की एज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आप अगर 10 साल 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस कैन हैव आपके जो फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू है उस पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करें उतना अच्छा, और एसआईपी सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए एसआईपी, और जितना जल्दी करें उतना बेहतरीन फायदा। यहाँ पर अब कुछ और गलत फहमियों की हम चर्चा करेंगे, उनको दूर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आसान भाषा में नीलाभ आज हम आपसे समझना चाहेंगे टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच। जी देखिए, टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच सिंपल तरीके से अगर समझें तो आप मैक्रो फैक्टर जो होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, जैसे एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ किस रेट पे चल रहा है या जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन पैरामीटर्स कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वहाँ से आप शुरुआत करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं इनके चेंज होने से कौन से सेगमेंट्स पे या कौन से इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, फिर आप उन इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज करें या उन सेगमेंट्स को एनालाइज करें, ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनीज़ पे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जैसे भी आप वो करना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ से आप चूज़ करें कि कौन सी कंपनीज़ में आप निवेश करेंगे। तो ये जो टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच हुई ये ऊपर से नीचे जाती है, देयरफॉर टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच। तो हैप्पी निवेश शेयर में हम आपको बता रहे 10 गलत फहमियां जिससे आपको बचना है नए साल में म्यूचुअल फंड निवेश की। जो अगली गलत फहमी उसको दूर करने के लिए हमारे साथ नीलाभ सानिया लगातार बने हुए। नीलाभ बताइए, एसआईपी अगर किसी की मिस हो जाती है तो क्या फाइन लगता है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फाइन नहीं लगता है। एएमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक्सपेक्ट करती है कि आपसे हर महीने एक जो राशि आपने बताई है वो आएगी, अगर वो नहीं आती है तो अगले महीने फिर से वो अटेम्प्ट करेंगे, वो राशि अगर आती है तो उस वक्त आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी एसआईपी स्किप हो जाती है किसी वजह से तो उसके लिए एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी आपको चार्ज नहीं करेगी। हाँ, बैंक से आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो आपको कुछ चार्ज लगाएगा कि नहीं अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो अदरवाइज म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई चार्ज नहीं है अगर आपकी एसआईपी किसी वजह से स्किप हो जाती है तो। ओके, एक और जो गलत फहमी है, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ आप इसको क्लियर करें, कई लोगों में ये कन्फ्यूजन है ईएलएसएस स्कीम को लेकर। 3 साल का लॉक इन इसमें होता है तो 3 साल के बाद हर एसआईपी को विड्रॉ किया जा सकता है, ये पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है? जी ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये काफ़ी कॉमन जो है क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। ये मैं क्लियर करता हूँ कि जो ELSS इन्वेस्टमेंट में 3 साल का लॉक इन होता है वो आपके परचेज डेट के हिसाब से होता है। तो अगर आप ELSS स्कीम में किसी SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, आपने जनवरी
अगर 2019 में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो जितने यूनिट्स आपके जनवरी 2019 में होंगे वो जनवरी 2022 में उसका 3 साल का पीरियड खत्म होगा और उतने यूनिट्स लॉक इन से बाहर आ जाएंगे, तो उतने यूनिट्स आप उस वक्त रिडीम कर सकते हैं या बेच सकते हैं। जो फरवरी 19 में आपने यूनिट्स खरीदे थे, जो दूसरी किश्त होगी उस SIP के मान लीजिए, उससे 3 साल बाद यानी फरवरी 2022 में उतने यूनिट्स आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से एक हर परचेज डेट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कब आपको विड्रॉ करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस स्कीम में से। ओके और इनफैक्ट कई लोग तो ELSS में सिर्फ इसलिए भी निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स सेव करना होता है, तो ये इससे जुड़ी हुई एक और गलत फहमी है जिसको मैं चाहती हूँ आप दूर करें। जी, ELSS एक बहुत ही म्यूचुअल फंड का सिर्फ एक कैटेगरी है ELSS सेगमेंट। हाँ, इसमें टैक्स सेविंग का आपको फायदा होता है, तो इसमें इनबिल्ट आपको एक किकर मिलता है। और अगर आप इस तरह से सोचें तो डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम लेवल क्या है, तो आप साल का नियरली 50,000 रुपये की तक का टैक्स आप सेव कर सकते हैं। रफली 46,000 के आसपास का नंबर आता है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो तो। लेकिन ELSS सिर्फ एक तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जो सेबी से अप्रूव कराने होते हैं म्यूचुअल फंड्स को। उसके अलावा भी आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें ये लॉक इन नहीं होता है। तो अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख की जो लिमिट है ELSS में, अगर आप उतना इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप फिर दूसरे स्कीम्स में भी देख सकते हैं जिसमें लॉक इन का भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है। आप लॉक इन में आपके फंड्स नहीं ब्लॉक होंगे 3 साल के लिए। नील, आप ये भी बताइए कि जिस फंड में SIP कोई कर रहा है उसमें एक मुश्त निवेश भी किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो SIP कर रहे हैं इस फंड में, लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट तो इसमें कर ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप SIP करते हैं या आप मान लीजिए किसी स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट, जो आपने बोला एक मुश्त जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आप हर इन्वेस्टर को एक फोलियो बताती है, वो आपके स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। जब आप अगली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर बार वो उस फोलियो में आप उतनी अमाउंट के यूनिट्स जो है वो आपके अकाउंट में उस फोलियो में ऐड होते जाते हैं। तो अगर आप उसी स्कीम में और एक SIP करना चाहते हैं तो आप सेम फोलियो नंबर के जरिए कर सकते हैं। उसी स्कीम में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये की SIP चल रही है, आप 3 महीने के बाद सोचते हैं कि नहीं ये इसी स्कीम में मेरे को एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट करने हैं और पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जितना भी वो अमाउंट है उसको आप उस फोलियो में उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फोलियो नंबर आपको एक बार मिल गया तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूज़ करना, चाहे SIP के लिए करें या लमसम इन्वेस्टमेंट या एक मुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए। नीलाब, एक और ज़रूरी बात जो कई दर्शक हमसे पूछते हैं और कुछ इंसिडेंट्स भी उनके साथ हुए हैं इसलिए उनका ये प्रश्न रहता है हमसे कि हमारी AMC डूब गई, कोई रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न रहा होगा, अब हमारे निवेश का क्या होगा? तो अब अगर AMC डूब जाती है तो क्या पैसे भी डूब जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप ये समझिए कि AMC जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनको SEBI रेगुलेट करता है। SEBI सारे म्यूचुअल फंड्स को जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेज होती है, जिसके बेसिस उसी लाइसेंसिंग प्रोसेस के बाद म्यूचुअल फंड स्कीम जो है निवेशकों को ऑफर की जा सकती है बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन शटडाउन करना पड़े, तो बहुत सेपरेट होता है जो आपके यूनिट, आप यूनिट होल्डर बनते हैं जब आपके स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट्स मिलते हैं, ये सेपरेट रखे जाते हैं AMC के अकाउंट से, म्यूचुअल फंड के कंपनी के अकाउंट से। तो जो यूनिट होल्डर के यूनिट्स होते हैं, जो उनके जमा पूंजी होती है, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं विद उनका एक कस्टोडियन प्रोसेस होता है, एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके चलते आपके फंड्स जो है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। ओके और सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता रहता है और निवेशक घबरा जाते हैं कि करना क्या है, और सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी SIP रोक देते हैं इस गलत फहमी में कि मार्केट में तो उतना उतार चढ़ाव है तो SIP रोकना ही बेटर है क्योंकि उनको वरना अदरवाइज लॉस हो जाएगा। तो इस गलत फहमी को दूर कीजिए।
जी बिल्कुल, जब सेल लगती है मार्केट में तो हम और खरीदते हैं जितना हम नॉर्मली परचेज करेंगे, हम अपने परचेजिंग उस हिसाब से करते हैं, राइट। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, एक तरह से अगर आपने वो SIP जिस स्कीम में आपकी SIP चल रही है, वो स्कीम जो आपकी सिलेक्शन है वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से है और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से है, तो आप मार्केट जब नीचे जा रहा है तो उसमें आप ये समझिए, एक तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि NAV नीचे जा रहा है उस स्कीम का, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है थोड़े और फंड्स उस स्कीम को एलोकेट करने के, तो आप वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैं और इन्वेस्ट करूँ, ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप करूँ या अपनी SIP को रोक दूँ। ओके, तो SIP रोकना बिल्कुल भी सही कदम नहीं होता है जब मार्केट गिर रहा होता है, इनफैक्ट गिरावट में ही खरीदारी का मौका है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो गलत फहमियों की बात होगी, लेकिन शो के अंत में आप हमारे दर्शकों को टिप क्या देंगे? बिल्कुल, एक फ्रिक्शन की तरह मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्रिक्शन होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप ध्यान में रखिए कि एग्जिट लोड और टैक्सेस और तीसरा लॉक इन, ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें। एग्जिट लोड होता है कि जब आप, ये आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो जब आप रिडीम करेंगे, अगर उस स्कीम को मान लीजिए 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है, तो चाहे उस स्कीम में आपकी जो रिटर्न है उतने वैल्यू से कम हो जाएगा जी, अगर एग्जिट लोड लगेगा तो। दूसरा टैक्सेस जो है, टैक्सेस सिर्फ ऑफ कोर्स अगर आपको गेन्स हैं तभी आपको फायदा है, तभी आपको टैक्सेस लगेंगे, लेकिन दो तरह के जो टैक्सेस होते हैं म्यूचुअल फंड में, जो इनकम टैक्स से अलग होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो डिपेंड करता है आपने कौन से इक्विटी स्कीम्स में 1 साल के अंदर अगर आप बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से पहले बेचेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। थंब रूल मान लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की जो परसेंटेज होता है, जो दर होती है, वो ज्यादा होती है, तो इसलिए हम ट्राई करें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के उसमें आए, बकेट में आए, यानी 1 साल से ज्यादा। तो कुल मिलाकर निवेश से पहले खर्च देखना बेहद ज्यादा जरूरी है कि उसमें कौन कौन से खर्च शामिल है, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है म्यूचुअल फंड में निवेश। बहुत शुक्रिया नीलाभ हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए, और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई बहुत सारी गलत फहमियां आज आपने दूर की है, शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही।